हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि घर के वेस्ट मटेरियल से एक पॉट कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक लीफ, एक फ्लावर जो कि मैंने घर की वेस्ट वास से निकाला है, एक डिस्पोजेबल ग्लास, एक कैप और एक एडहेसिव। आप कोई सभी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस लीफ की जो बैक साइड पे प्लास्टिक मटेरियल है इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है और ये इसके थ्रू पेस्ट भी नहीं होगा। तो हम इसको थॉरली रिमूव कर देंगे। ये देखिए, ये रिमूव हो गया। अब इसका जो शाइनी एरिया है वो अपसाइड रहेगा और रफ़ एरिया पे हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू अच्छी तरह से लगाएंगे डाउन साइड, सिर्फ एक तरफ। देन इस लीप को हम पेस्ट कर देंगे इस ग्लास में, शाइनी पार्ट अपसाइड रहेगा। इसका हम लोअर पार्ट नीचे रखेंगे जो कॉर्नर्स वाला एरिया है, और इसको थोड़ा सा टिल्ट हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए इसको हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे सो दैट ये निकले नहीं। ये देखें गाइस, ये पेस्ट हो गया है और इसके जो लीव्स हैं ये हमने पेस्ट नहीं किए, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम लगाएंगे फ्लावर। फ्लावर के पीछे हमने ग्लू लगा ली है, अब इसको हम अपर कॉर्नर पे पेस्ट कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए, फ्लावर भी हमारा पेस्ट हो चुका है और ये कितना प्रिटी लुक दे रहा है। अब हमने इस ग्लास के अंदर सॉइल जो है फिल कर ली है, इसमें फर्टिलाइज़र ऑलरेडी एडेड है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कोरिएंडर सीड्स जो कि मैंने अपने किचन शेल्फ से ही लिए हैं। आप जितने लीव्स सीड्स चाहें डाल सकते हैं। अब आप इसको स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करना है इसको क्रश करके हाथों से, या फिर किसी भी चीज़ से कूटकर, या फिर दोनों फिंगर्स से प्रेस करके भी आप इसको क्रश कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। मैंने इसको फिंगर में लिया, उसको टाइटली प्रेस करूँगी ताकि ये स्प्लिट हो जाए। ये देखें, मैंने प्रेस किया और ये ईजीली स्प्लिट हो गया। अब ये स्प्लिट पार्ट्स सॉइल में जाएंगे। स्प्लिट पार्ट्स हम इसलिए डालेंगे क्योंकि स्प्लिट पार्ट्स ईजीली ग्रो करते हैं। अगर हम कंप्लीट सीड डालेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा। आपको जितने कोरिएंडर लीव्स चाहिए उतने आप सीड्स डाल दें और 1 इंच सॉइल से इसको कवर करके पानी डाल के रख दें। एक वीक में आपके